गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के। आपकी साइड पे एक नोटिस आ रखी है उसके बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट आज की हम वीडियो में बात करेंगे, आपके ऑफिशियल साइड पे एक नोटिस आ रखा है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी मेंशन है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन ये कर रखा है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। उसका कुछ कारण लिखा है इन्होंने। इन्होंने सबसे पहला कारण तो ये लिखा है कि आप सब जो मार्क्स अपलोड कर रहे हो ना, वो मार्क्स आप गलत अपलोड कर रहे हो। इनका कुछ क्राइटेरिया, उसके बेस पर आप सभी को मार्क्स वगैरह फिल करना है। और बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्वालिफिक डिटेल को फिल ही नहीं कर रखा है, उसको अधूरा छोड़ रखा है। और जिन्होंने भी फिल कर रखा है, बहुत कम ने सही कर रखा है, बाकी सबने गलत ही फिल कर रखा है। किसी ना किसी में कुछ ना कुछ एरर ही है। तो यहाँ पे इसके लिए इन्होंने लास्ट बार सभी स्टूडेंट को वार्न किया है कि आप सभी का ये एडिटिंग का लास्ट ऑप्शन है। अगर आप सब गलत फिल कर देते हो तो इसके बाद आप सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इन्होंने एक नोटिस जारी करा है, तो उस नोटिस को आज की इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले जैसा कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। और एक चीज ध्यान रखना, ये आपका लास्ट मौका है। प्लीज़ आप सब सही से एडिट कर लो अपने मार्क्स वगैरह को, टैली कर लो कि सही से एडिट है या फिर नहीं है। जिन्होंने भी प्रोविजनल कर रखा था, जैसे कि मान लीजिए किसी ने नेट का ही अपलोड कर रखा है या फिर डिजी लॉकर का अपलोड कर रखा है या फिर नेट का अपलोड कर रखा है, जैसे नेट की मार्कशीट अपलोड कर रखी है ना, अभी तो आपको ओरिजिनल मिला नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको प्रोविजनल करना है। और अगर आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल है तभी उसी टाइम पर आपको ओरिजिनल करना है, अन्यथा आपको प्रोविजनल करना होगा, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। और एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा, क्योंकि हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कल तक आपका डेट रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट टाइम पे आप सभी को वॉर्न करता हूँ कि ये चीज़ आपको करनी है, तुरंत कर देता हूँ ना, एक मैसेज डालते आप सभी के पास पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल है ना, हर वीडियो में मुझे मतलब बनानी पड़ेगी, तो कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, अब चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या न्यूज़ आ रही है। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे स्टूडेंट आप इसको रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद यहां पे थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि आपकी साइट जो है वो अपडेट हुई है और आपका जल्द ही रिजल्ट जो है अनाउंस होने वाला है। ठीक है, ये चीज भी आप क्लियर रखिए। अब बस एक ही कारणवश नहीं हो पा रहा, देखिए यहां पे एक मैसेज आपका आ चुका है, यहां पे लिखा है अर्जेंट, देख सकते हो ना, अर्जेंट चेक नोटिस फॉर मार्क्स एंट्री। मार्क्स एंट्री के लिए आप सभी का नोटिस आ रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट आप यहां पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक आउट करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। अभी जैसे स्टूडेंट ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। जैसे नीचे की तरफ आ जाएगा तो एडमिशन नोटिस है। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक तो मेंशन कर रखा है, फर्स्ट नंबर पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है नोटिस फॉर, देख सकते हैं, मार्क्स एंट्री। मार्क्स एंट्री के लिए नोटिस है हिंदी में, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो मार्क्स एंट्री के लिए आपका नोटिस है किसमें, इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको सही चीज़ें बिल्कुल बताते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट आप इसको डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिए क्या मेंशन है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये हेड ऑफिस से नोटिस जारी करा गया है। नोटिस क्या, देखिए, नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन सेशन 2022 से 2023। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या मेंशन किया है। इन्होंने मेंशन किया है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ठीक है, डेट मैनी ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम ऑफ DSU फॉर एकेडमिक सेशन 2022 से 2023। यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, है ना, जो वेरियस प्रोग्राम है, जैसे आपका हो गया फुल टाइम डिप्लोमा, पार्ट टाइम डिप्लोमा, इस तरीके से आपके जितने भी लेटरल एंट्री वगैरह सभी की बात हो रही है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है आपका 2022 से 2023 सेशन के लिए, तो इन्होंने एक चीज़ मैंशन करी है, जैसा कि देखिए यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया है फेल्ड, ये फेल्ड हो रहे हैं बार बार टू अपडेट देयर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन मार्क्स। मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल आप फिल करोगे, है ना, उसका 30% वेटेज है, तभी तो आपका रिजल्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट जब निकलेगा ना, तो वहां पे आपका 30% वेटेज है, 60% एंट्रेंस एग्जाम का, ये चीज तो आपको पता है, 10% आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का है। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वाली चीज तो आप छोड़ दो, ये अपलोड नहीं हो सकता है, ठीक है, जिनने अपलोड कर दिया वेरी गुड, जो नहीं कर पाए छोड़ दीजिए। यहां पर मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि प्लीज आप सब ध्यान दीजिएगा कि जो 60% मार्क्स आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, लेकिन 30% आपका क्वालिफिकेशन डिटेल का है, यानी कि 10th के बेस पर अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो उसका 30% जोड़ा जाएगा, 12th के बेस पर अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो उसका 30% जोड़ा जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, 30% वेटेज है, इसीलिए बार बार आपके पास अपडेट आ रहा है कि प्लीज आप सब क्वालिफिकेशन डिटेल सही से फिल कर लो, अन्यथा आपका रिजेक्ट होगा फॉर्म। यहां पर देख लीजिए क्या लिखा है इन्हें, देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट बार बार फेल हो जा रहे हैं, मतलब क्वालिफिकेशन एग्जाम मार्क्स है ना गलत फिल कर दे रहे हैं, या फिर कोई ना कोई गलती कर रहे हैं अपलोड करने में। यहां
पे देखिए इन्होंने लिखा है डिस्प्यूट द नंबर ऑफ रिमाइंडर्स, यानी कि बहुत बार ये रिपीट करा गया और आप सभी को बताया गया, प्लीज़ सही से फिल करिए। यहाँ पे देखिए चांस गिव टू अपडेट देयर मार्क्स ऑन द एडमिशन पोर्टल, आपको पता है एडमिशन पोर्टल पे अभी टाइम दिया गया था, मतलब कि आप सभी को एक दिया गया था ना चांस, कब दिया गया था 1 सितंबर को दिया गया था, 1 सितंबर को, तो उस टाइम भी आप सब मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत फिल कर रखा है। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट्स वर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड टू अपडेट, है ना, वहाँ पे अपडेट करा गया था मेल्स वगैरह पे भी आप सभी को, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि बार बार सभी स्टूडेंट गलत फिल कर दे रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट मतलब सभी ने कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे ना परसेंटेज में जो गलत फिल कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे ये रिजल्ट अगर अनाउंस कर देंगे तो इन सभी बच्चों का ये जो था मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म था वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब उनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। इसलिए देखो DSU यहाँ पे बार बार आप सभी को बता रहा है, ये चाहते तो रिजल्ट अनाउंस कर सकते थे, चाहते कि आराम से कर सकते थे ना, आप देख रहे हो, लेकिन इन्होंने बच्चों के बारे में सोचा और एक बार ये सोचा कि आप भी सही कर लो तभी तो रिजल्ट अनाउंस करें, अभी कैसे कर लेंगे बताइए। तो ये तो वैलिड पॉइंट है DSU का, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और देखिए उन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है एप्लीकेंट वर बीइंग गिवन, है ना, लास्ट और फाइनल चांस, इन्होंने लिख के बताया बाकायदा, देख सकते हो, इनको फाइनल और लास्ट चांस दिया गया है, अपने मार्क्स को एडिट कर लो 7 सितंबर तक, देख सकते हो आप 7 सितंबर यानी कि कल तक 12 बजे रात तक ही आपका ऑप्शन है, यानी कि देख सकते हो 11:59 जो भी है आपका, ये 12 बजे तक टाइम रहेगा रात के। इनने बोला है बाय लॉगिन इनटू अकाउंट देयर एडमिशन पोर्टल, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसको सही तरीके से फिल करना है। अगला देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया है, इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करके मार्क कर देते हैं हम, इनने बोला इन केस ऑफ फेलियर टू अपडेट देयर मार्क्स, अगर आप मार्क्स को अपडेट करने में फेल हो जाते हो, क्वालिफिकेशन एग्जाम मार्क्स ऑल्सो नॉट कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट के टाइम पे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आप फेल हो जाते हो अपडेट करने में मार्क्स को, तो यहाँ पे लिखा है एंड नो फर्दर, देख सकते हो कम्युनिकेशन सेल बी यहाँ पे इंटरटेन इन दिस रिगार्ड, यानी कि देख रहे हो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि इसके बाद आप सभी की कोई भी चीज़ है वो नहीं मानी जाएगी, कोई भी चीज़ नहीं मानी जाएगी, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में फिर कोई भी बात नहीं किया जाएगा, आप एडिट का ऑप्शन दे दीजिए दोबारा से या फिर इस तरीके से, तो लास्ट ऑप्शन है आप सभी के पास, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स वगैरह गलत है तो दोबारा से सही फिल कर लीजिए, है ना। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जो भी स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हम एक वीडियो ज़रूर और बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा लॉग इन करके आपको क्या चीज़ें चेक करनी है, ठीक है, चेक करनी है, और साथ में आपको 5 मार्क्स के, है ना, मेरा मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करने हैं या फिर 6 सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करने, ठीक है, ऑप्शनल को डाल मतलब फिल करना है या नहीं करना, इसके बारे में आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बना के कल मैं यहाँ पर लॉगिन वगैरह करके आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, तो कल हम वीडियो बना देंगे उसके अंदर हम आपको बता देंगे कि आपको 5 या फिर 6 सब्जेक्ट कितने सब्जेक्टों का आपको टोटलिंग करके डालना है वहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखना, CGPA में मार्क्स नहीं रखना है किसी को भी, सबको किस में रखना है, याद रखना सबको परसेंटेज में रखना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप सभी को एक काम नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम लॉगिन वाले पोर्टल पर चलते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक हो गया, ये हम यहाँ पर एडमिशन पोर्टल वाले पर आ गए, तो एक बार मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, मैं एक बार आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए हम जैसे यहाँ पर आएंगे मोर वाले ऑप्शन पर, तो जैसे स्टूडेंट आप मोर वाले ऑप्शन पर आएंगे तो मैं इसको डेस्कटॉप साइट पर एनेबल कर लेता हूँ, ठीक है, जो पूरी वीडियो देखते हैं भाई उसका फायदा तो जरूर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हम इसको डेस्कटॉप मोड पे एनेबल कर लेते हैं, तो फाइनली स्टूडेंट हमने इसको डेस्कटॉप मोड पे इस तरीके से एनेबल कर लिया, हम यहाँ से इसको लॉगिन कर लेते हैं, तो जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट, हाँ ये देखिए सचिन हमने ये डाल दिया अपना, ये सबमिट कर दिया इस तरीके से, हमने जैसे सबमिट किया तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, है ना, यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आएगा, बस आपको एक काम नहीं करना है, क्या नहीं करना, लास्ट में जाके अभी आपको पूरा कंफर्म नहीं करना है, ध्यान रखना आपको पूरा कंफर्म अभी नहीं करना है, ठीक है, मैं कल आपको बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ें करके दिखा दूंगा, ठीक है, अभी आप मार्क्स वगैरह फिल कर लो, नो डाउट है आप मार्क्स वगैरह फिल कर लीजिए, लेकिन आप अभी पूरा सेव मत कीजिएगा, सेव एंड लॉक मत कर दीजिएगा पूरा, मतलब फिर इसके बाद ये ऑप्शन ही हट जाएगा ना, जब सेव पूरा कर दोगे ना अच्छे तरीके से कन्फर्म करके तो फिर ये आपका ऑप्शन हट जाएगा, तो अभी ये मत करिएगा। जो भी स्टूडेंट ये डाउट में कि हम 5 के भरे या 6 के भरे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार मैं इनकी टीम वगैरह से पूछ लेता हूँ, जो भी DSU की टीम वगैरह है, एक बार मैं आपको बिल्कुल सही से कन्फर्म करके आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर आप कर लीजिएगा। तो फाइनली स्टूडेंट आप देख सकते हो एडिट का ऑप्शन आपका आ चुका है, अभी हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।